जगदलपुर में बस्तर पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की। दरअसल बस्तर पुलिस को कई जगह से बाइक चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने अलग अलग थानों से टीम गठित कर चोरों की तलाशी शुरू की और तलाशी के दौरान दंतेवाड़ा जिले से एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार बाइक चोर ने पूछताछ करने पर अपने अन्य 5 साथियों के नाम भी पुलिस के सामने रखे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों की तलाश भी शुरू की और दंतेवाड़ा क्षेत्र से अन्य सभी बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इनके कब्जे से 20 बाइक चोरी की बरामद की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए आकी गई। शहर में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी और इसके संबंध में विभिन्न थानों में FIR भी दर्ज हुए थे, जिसमें संजय मार्केट इलाके से, भूतघाट थाना क्षेत्र से, परपा थाना क्षेत्र से बाइक चोरी की शिकायत मिली थी। हम लोगों ने CCTV कैमरे की मदद से और जो हमारा साइबर सेल है उसके इनपुट की मदद से कुछ लोगों को संदेह के दायरे में रखा हुआ था। इनमें से एक अनाश खान को हम लोगों ने दंतेवाड़ा से हिरासत में लिया और उससे पूछताछ जब की तो उसने कबूल किया कि वो अलग अलग जगह से बाइक चोरी करता है। इनसे पूछताछ करने में और भी लोगों के नाम आए, जिसमें इसका बड़ा भाई समीर खान का भी नाम आया और साथ में और 3 अन्य लोगों के नाम आए। इन 5 को हम लोगों ने हिरासत में लिया और अलग अलग थाना क्षेत्रों की जो बाइक्स हैं वो हम लोगों ने 20 बाइक्स अभी हम लोगों ने बरामद की है। ये 5 ही जो आरोपी हैं ये दंतेवाड़ा से हिरासत में लिए गए हैं और इसमें हम लोगों को जो बाइक्स मिली हैं वो हमारे ज़िले के भी हैं। इसके अलावा कुछ बाइक्स दंतेवाड़ा और बीजापुर से भी जो रिकवर हुई है, जो चोरी हुई है, उनको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। तो कुल मिलाकर के 20 बाइक्स हैं जो 15 लाख रुपए कीमती हैं और हम लोगों को कुछ और लोगों के नाम भी मिले हैं जो कि फरार हो गए हैं, उनके ऊपर भी निगाह रखी जा रही है, उनसे भी हम लोगों को कुछ और बाइक्स रिकवर करने की उम्मीद है।